हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय माइका व्लॉग। तो आज आए हैं हम अपने एरिया की लोकल मार्केट के अंदर। तो ये है गाजियाबाद की मार्केट घंटा घर। तो ज्यादातर मैंने शॉपिंग की वीडियो शेयर कर दी है, तो ये हमारी लास्ट शॉपिंग का डे। जितनी लिस्ट हमने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हमने सब कुछ खरीद लिया। वैसे तो लड़कियों की खरीदारी कभी कम्प्लीट होती नहीं है, शादी के दिन तक भी कुछ ना कुछ रह जाता है। वो तो बस हमने लास्ट टाइम पे बस किसी को भेज के मंगा लिया और उसके बाद आ गए थे हम घर। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग सब गए थे, मैं और शबा गए थे शॉपिंग के लिए। तो ये शायद हमारी लास्ट वाली शॉपिंग है, बिल्कुल जो बिल्कुल लास्ट चुटर मुटर छोटे मोटी चीज़ें बच जाती हैं बस उस वाली शॉपिंग। ये देखिए, तो ये हमारी कुछ सैंडल्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, कुछ ये पॉलीथिन हम लोग लेकर के आए थे पैकिंग के लिए, सूट वगैरह के लिए, ठीक है ना। और मेन चीज़ है हमारा ये पार्सल। हम लोग घर आए हैं, शबा देखिए कि बिल्कुल ये लड़की बेहोश हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई है, थक तो मैं भी गई हूँ भाई सी, बट ठीक है। तो हम लोग आए हैं घर और हम लोगों ने सब जगह चेक कर लिया है, मम्मी यहाँ पर नहीं है। और ये है एक सरप्राइज़ जो कि मम्मी के लिए है, वो जब आएंगी तो फिर उनको सरप्राइज़ मिलेगा। के लिए हम लाए हैं एक सरप्राइज़, देखिए कितनी सारी शॉपिंग करके लाए हैं हम। अच्छा, तो हम सब ने मम्मी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट ऑर्डर किया था और वो गिफ्ट मेरे लिए सरप्राइज बन गया, उसका पता जो है आगे वीडियो में चलेगा। आपका सरप्राइज, ये मेरा सरप्राइज, यस जिम, क्या आपने सरप्राइज। अच्छा लो, कट करो फ्रॉम हियर। दरअसल मम्मी का जो है फ़ोन ख़राब हो गया था, तो वो एक महीने से फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो हमने जो है उनके लिए फ़ोन ऑर्डर किया था। मैंने दो तीन चीज़ें ऑर्डर की थी। जब मैं मार्केट में थी तो मुझे एक मैसेज आया था कि आज आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर होने मतलब वाला है। ये कैसा है, क्या ही भेजा है उन्होंने? मतलब दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मेरे और भी पार्सल्स हो सकते हैं। और मैंने वो मैसेज पूरा भी रीड नहीं किया। मैंने ये बैंगल्स भी ऑर्डर की थी पर मुझे नहीं पता था इनकी पैकिंग भाई इतनी तो अच्छी आज है। तो मम्मी की जगह हमें सरप्राइज मिल गया। कैसा लगा सरप्राइज? हमने फिर भी उस सरप्राइज को कैरी फॉरवर्ड किया और मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया। हमने इस चीज को एज अ प्रैंक उनके सामने कन्फ्रंट किया। मतलब हमें इंटरनली इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी अपने ऊपर और मम्मी को लगा कि हमने उनके लिए रंग बिरंगी चूड़ियां मंगाई। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली सबसे पहले अपना मैसेज चेक किया और उसमें देखा कि आज मेरी बैंगल्स आने वाली थी, फोन नहीं। तो ये बैंगल्स मैंने अपने लिए मंगाई थी। कलरफुल बैंगल्स ना अच्छी लगती और जैसे कि मैं यहाँ से दूर रहती हूँ भाई, बाहर रहती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा बैंगल्स जो है वहाँ पर नहीं रख पाती। मैंने बस इस तरह का ये एक बॉक्स मंगा लिया था जिसमें सारे कलर की बैंगल्स। और जो हमारा मेन सरप्राइज था वो आपको आगे इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलाइना साड़ी बांध रही बस अपने में ही मगन है। अकेले रहते रहते ना इसको खुद में ही खेलने की आदत हो गई। जो मम्मी वाला पार्सल था वो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आ गया था, तो हमने जो है उनको फिर वो सरप्राइज दिया। क्या गिफ्ट है? मतलब उनको अच्छा लगा सरप्राइज, लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की क्योंकि उनको पता था कि व्लॉग शूट हो रहा है, लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए जो है हमने फोन मंगाया है। घर पर नानू और नानी भी आए हुए थे। ये फोन देखने के बाद उनके फेस पे जो एक स्माइल थी ना, लाइक वो प्राइसलेस है। पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे छोटे होने से लेकर के हमारे बड़े होने तक। तो ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस ना वो भी डिजर्व करते हैं, इवन हर पेरेंट्स डिजर्व करते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई हो सकता है तो वो माँ और बाप हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी के भी साथ खड़े हो जाएं हर इंसान हमारा एक कंपेटिटर होता है। कहते हैं ना कि सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि वो हमेशा अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि ये हमसे भी ऊपर करें, हमसे भी अच्छा हासिल करें। ये मैसेज हर एक यूथ के लिए है कि कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी स्पेशल फील कराया करो। और बस उसके बाद हमने मम्मा को फोन ऑन करके दिया था। सुबह सुबह का टाइम था तो सारे जन एक साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज का ये स्पेशल व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो।